नमस्ते दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एक नया शुरुआत एक नया चेहरे के साथ। बातें तो पुरानी होगी मगर तरीका नया होगा। आज मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ। आज का जो टॉपिक है, कल मैं जिम जाने का टाइम में पूछा कि मेरे एक दोस्त के साथ जा रहा था, तो मैंने दोस्त को पूछा था कौन सा टॉपिक के ऊपर हम लोग बनाए तो अच्छा होगा। तो उसने मेरे को एक सजेशन दिया कि मेरे को कल रात को नींद ही नहीं आ रहा था, तो मुझे बोला कि आजकल के लोगों को नींद ही नहीं आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ी टॉपिक है कि लोगों को नींद क्यों नहीं आ रही है। नींद क्या होता है? हम लोग रात को जब थक जाते हैं सोने जाते हैं बेड में, बट हर एक को नींद क्यों नहीं आता? वो तो नेचुरल थिंग है ना कि हर दिन सुबह उठते हैं, फिर काम करते हैं, फिर रात को खाना पीना खा के सो जाते हैं, मगर फिर भी लोगों को नींद नहीं आता। ऐसा क्या हो रहा है? लोगों के मन में क्या दिक्कत हो रहा है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रहा है? किसी का नींद अपने सपने के लिए उड़ जाता है, किसी का अपने गर्लफ्रेंड के लिए उड़ जाता है, किसी को अपने काम के कैसे अच्छा अच्छा काम करें उसके लिए सोच सोच के उसको नींद नहीं आता, और कोई अपने फैमिली के बारे में सोच के नींद नहीं आता। मैं और मेरा दोस्त लोग ये टॉपिक के ऊपर कुछ वीडियो बनाए हैं, उसके बाद आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग को मैं समझाऊंगा कैसे नींद अच्छा आएगा, उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग को नींद अच्छा आए। चलिए देखते हैं मेरे साथ दोस्त लोग और मेरा जो वीडियो बनाए हैं, चलिए देखते हैं वीडियो में। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लो, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत न हार। बैंक में 25 लाख रुपए आज रखा हूँ यार, मेरा पैसा कोई ले तो नहीं जाएगा ना यार? इतने सारे पैसा मैंने बैंक में रख लिया यार, कैसे सेफ रहेगा यार? जैसे कि आप सभी ने देखा, ये जो वीडियो में मैंने दिखाया है कि बहुत सारे हैं जो अपने सपने के लिए नींद उड़ जाती है। सपने के लिए नींद उड़ना अच्छी बात है क्योंकि आप अपने सपने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो, बट आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ, रोज़ 6 से 7 घंटे का अगर नींद कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो तबीयत के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, और इस चीज़ को अपने इंसोम्निया बोलते हैं। और रात को नींद नहीं आना इंसोम्निया एक ख़राब चीज़ है जिसकी वजह से आजकल के हार्ट अटैक्स बढ़ गए हैं। ये आजकल के सोसाइटी में आपने देखा होगा बहुत लोग का जो मौत हो जाता है हार्ट अटैक की वजह से, क्योंकि रात को वो लोग का नींद ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। कोई बैठ के सोच रहे अपने कैरियर के बारे में, कोई अपने फैमिली के बारे में सोचते रहते हैं। तो मैं आपके सामने 6 से 7 टेक्निक ऐसे लाया हूँ जिसके वजह से आपका जो नींद है वो अच्छे से अच्छा हो सके। पहला टेक्निक मैं ये बताना चाहता हूँ, ये US मिलिट्री में ये आर्मी लोग ने ये टेक्निक यूज करते हैं, उस टेक्निक का नाम है 4-7-8। इसका मतलब ये है, 4 मतलब सांस 4 सेकंड के लिए अंदर लीजिए, उसके बाद 7 सेकंड रखिए होल्ड करिए, उसके बाद मुंह से 8 सेकंड में निकालिए, मीन्स 4 सेकंड अंदर लेना, 7 सेकंड रखना और 8 सेकंड में मुंह से निकालना। ये टेक्निक आप रात को सोने से पहले ट्राई करिए जिसके वजह से आपका नींद अच्छा होगा। दूसरा टेक्निक, आप लोग खाना और जो भी खा रहे हो जो भी पी रहे हो
उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए। रात को थोड़ा लाइट फूड खाइए जिसके वजह से आपका जो नींद है ना वो अच्छा आएगा। दिन में थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करिए, हर दिन कुछ ना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज जितना करोगे तो बॉडी उतना थकेगा और आप लोग का नींद अच्छा आएगा। तीसरी टेक्निक, आप सब जब रात को सोने जाते हो अगर आप लोगों को नींद नहीं आ रहा, आपका घर में अगर बैल्कनी अवेलेबल है या छत है उसके ऊपर 10 से 15 मिनट थोड़ा वॉकिंग करिए और थोड़ा फ्रेश एयर लीजिए जिसके वजह से आपको नींद अच्छा आएगा। चौथा टेक्निक, आप लोग जब सोने जाते हो उससे पहले थोड़ा सा शावर ले लीजिए, थोड़ा नहा लीजिए, ज्यादा मत नहाना क्योंकि नहाने की वजह से तबीयत खराब हो सकता है, बट थोड़ा सा नहाने की वजह से आपका रात का जो नींद है वो अच्छा होगा। फिफ्थ टेक्निक में ये बताना चाहता हूँ कि रात को सोने से पहले ना ज्यादातर मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल यूज करने से पहले आप लोगों को सोने से पहले एक घंटे से पहले मोबाइल यूज करना बंद कर दीजिए। उसको और एक अच्छा आदत मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई किताबें रीडिंग करना स्टार्ट करिए। किताबें रीडिंग करने से आपको क्या होता है, एक तो माइंड के ऊपर अच्छा मेडिटेशन होता है, दूसरा थिंग आपका जो दिमाग है उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ता क्योंकि मोबाइल यूज करने की वजह से उसके जो रे आती है उसके वजह से आंखों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ती है और दिमाग के ऊपर वो इम्पैक्ट डालती है जिसके वजह से हमें नींद नहीं आती अच्छे। तो आप लोग एक किताब पढ़िए और उसको 10 से 15 पेज पढ़ने के बाद आपको ऑटोमेटिक नींद आ जाएगा जिसके वजह से आपका शरीर भी अच्छा रहेगा और आप लोग का ध्यान भी एक किताब के ऊपर ही रहेगा। और एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आपको नींद नहीं आ रही और कोई चीज टेंशन हो रही है, थोड़ा एनवायरनमेंट को अच्छा लाइट फील करिए, थोड़ा घर का जो जहाँ पे आप सोते हो थोड़ा खुद को कंफर्टेबल करिए, अपने बेड में थोड़ा कंफर्टेबल फील करिए और थोड़ा लाइट सॉन्ग जैसे कि स्लो सॉन्ग सुनिए 10 से 15 मिनट तक जिसके वजह से आपको ब्रेन को थोड़ा ठंडक मिलेगी और आपका अच्छा से अच्छा नींद होगा। बस ये सारी चीज़ें आपको मैं बताना चाहता था कि नींद कैसे अच्छा है। फिर भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आपका कोई बड़ा ड्रीम है, अगर आपका कोई मिशन है जिसको आप कंप्लीट करना चाहते हो तो आपको कंपटीटर को हटाना पड़ेगा, उसके लिए आपको रात में जाके काम करना पड़ेगा। फिर भी खुद के बॉडी के लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ये वीडियो देखिए जिसकी वजह से आपको जो नींद जो है अच्छा आएगा। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि आपके कंपटीटर को अच्छा कंपटीशन दो, बट फिर भी अपने शरीर के लिए तो ध्यान देना पड़ेगा ना आपको, क्योंकि हम लोग किस चीज़ के लिए काम करें, खुद के लिए ही तो काम कर रहे हैं ना। और ये वीडियो को आप बार बार भी देख सकते हो जिसके वजह से आपको जो जो टेक्निक बताया उसको वॉच करके आप सोचिए ये टेक्निक को रोज के दिन में आप यूटिलाइज करिए जिसके वजह से आपका शरीर भी अच्छा रहेगा और अच्छा नींद आएगा, ये गारंटी मेरा तरफ से मैं बता रहा हूँ। और होप करता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर कुछ नया टॉपिक हो जिस टॉपिक के ऊपर मैं कवर करना चाहता हूँ आप लोग को माइंड में हो तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और लोगों के पास पहुँचने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए और मैं ऐसे ही अच्छा मोटिवेशनल कंटेंट आपके सामने लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, नमस्ते।